जाप संरक्षक पप्पू यादव ने बिहिया के महंत श्री शंभु शरण गोस्वामी नसटार्ड कबीर पंथी मठ में कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ग्रामीण वासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान जाप संरक्षक ने लोगों से कबीर की बातों पर चलने की अपील की। जाप संरक्षक भोजपुर आगमन पर भोजपुर जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में फूल माला से स्वागत किया गया। इसके बाद शहीद चंदन यादव के परिजन से मिलने के बाद वे सीधे बिहिया के नसटार्ड मठिया पहुंचे। इस दौरान बिहिया जगदीशपुर पथ खदरा मोड़ पास युवा नेता लाल बहादुर यादव के नेतृत्व में जाप सुप्रीमो का भव्य स्वागत फूल माला से किया गया, जहां जाप के सुप्रीमो काफी गदगद दिखे। इस दौरान जाप युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष बबन यादव, पार्टी में शामिल हुए पीरों के पूर्व प्रत्याशी काशीनाथ यादव, धनंजय मिश्र, लड्डू यादव सहित जाप के अन्य कार्यकर्ता ने जोरदार स्वागत किया। और अब दुनिया में वो कह रहा है हम वहां से आए, हमारे सैनिक मारे गए पुलवामा में, जिस पर सत्ता पत्रकार दी, सरदार डीएसपी गिरफ्तार हुआ, आरटीएस के साथ 3 दिन पहले सरदार डीएसपी को चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, उसका बेल हो गया, उससे पूछताछ नहीं हुई। हम चाइना का आपको आश्चर्य होगा, 90% दवाई हम चाइना का खाते, 90% अस्पताल में इक्विपमेंट चाइना का है, 95% खिलौना चाइना का है, 200 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में शेयर चाइना का है भारत में 200। दो दिन के बारिश में ये नीतीश कुमार किसको डराने गए थे सेम्पा हाउस में 96 दिन के बाद लोहा को? अरे नीतीश औकात है तो अपने पदाधिकारी को डराना। और जो तेरा मंत्री कहता है कोरोना वायरस के चलते पानी हो गया, कभी कहता है डेंगू ठंडा के चलते हो गया, कभी कहता है गर्मी के चलते चिमकी हो गया, कभी कहता है नेपाल में पानी बढ़ा तो बाढ़ आ गया, अब कह रहा है कोरोना वायरस था इसीलिए पानी जम गया। फिर भी तो सरकार की तरफ से 12,000 करोड़ दिए जा रहे हैं, फिर भी तो सरकार की तरफ से 12,054 करोड़ रुपए पंचायत में मनरेगा के लिए दिए जा रहे हैं। अरे चाम के मुंह है बोला ना भैया, तो आप जैसे लोग ही थेथरलॉजी करते हैं। 15 सालों में सरकार ने क्या दिया ये दुनिया देखी ना, और 47 लाख मजदूरों को नहीं आने दिया, बिहार लात खाए दुनिया देखी ना, खाना नहीं मिला दुनिया देखी ना, क्वारंटाइन को दुनिया देखी ना, श्रमिक ट्रेन में आधे लोग मरते देखे ना। इस सरकार जिसने खुद मारा खुद भगा दिया, जो 96 दिनों तक निकला नहीं, जो अमित शाह पर्चा बांटा लेकिन पानी नहीं बांटा, वर्चुअल और डिजिटल रियल नहीं, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं और आदमखोर हैं, मानवता के विरोधी हैं और बिहार के दुश्मन हैं, राजनीति करने का कखरा जानते हैं, इस बार औकात का पता चला। जी रहा, लेकिन आपकी सरकार अगर बनती है आप आते हैं तो क्या है? सर साफ शब्दों में मैंने बहुत दुनिया को पता है सर, 27 लाख लोगों को सर मैंने खाना पहुंचाया 1 महीने, और 750 बस 31 अप्रैल से मैंने बिहार के लिए शुरू किया था। 7 ट्रेन कोटा के बच्चों को पप्पू यादव ने अपने ऑन फंड दिया, 22,000 अकाउंट में पप्पू यादव ने पैसे डाले हैं जहां जहां मजदूर थे, और लगभग 3 लाख मजदूर जो पैदल चल रहे थे बिहार के, जिसको पीटा जा रहा था, उसके हैंड में एक एक पैसे सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, 500 रुपया डाला। पानी में पप्पू यादव ने क्या किया दुनिया देखा। मैं बिहार और बिहारियों को इस दुनिया का सबसे नंबर 1 देखना चाहता हूं, नंबर 1। जिसके लिए पहला एजेंडा आपको साफ एजेंडा है, अभाव में किसी को जीने नहीं देंगे, आर्थिक आजादी, 3 एजुकेशन और हेल्थ फ्री, कंप्लीट फ्री, किसी भी तरह का 3 महीने के अंदर कोई अपराधी माफिया नेता और भ्रष्टाचार आपको नहीं मिलेगा, किसी की जेब से कोई बेईमान 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा। बहुत एजेंडा है,
जिसको प्रतिज्ञा मैनिफेस्टो के रूप में जुलाई में मैं देने जा रहा हूं कि मैं ये करूंगा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के द्वारा कि इतने टाइमलाइन होगा, यदि ये टाइमलाइन नहीं कर पाएंगे तो मैं राजनीति दोबारा नहीं करूंगा। कंप्लीट रामराज, कोई जाति का जहर नहीं होगा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा, और एक भी बिहारी बाहर न रोजगार करने जाएगा, न इलाज करने जाएगा, न पढ़ने जाएगा और न ही मजदूरी करने जाएगा। साल भर के अंदर हर बिहारियों को जीने का